हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूँ आपके बायोलॉजी ट्यूटर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर टू को जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी कि रिप्रोडक्शन अगैन अभी इसके पहले वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के आ चुके हैं बट ऑफ एनजीओ स्पर्म्स अब बारी है ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ने की और उसमें भी मैं आपको कह रही हूँ कि मैं पहले आपको इंट्रो दूंगी तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताइए रिप्रोडक्शन में कितने फेजेज या कितने इवेंट्स होते हैं तो आपको इस बात का आंसर बहुत ही अच्छे से पता है कि मैम देर आर थ्री फेजेज देर आर थ्री इवेंट्स दैट आर या दैट इज सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन फेजेस या इवेंट्स सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात समझाई है चाहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसी का भी हो चाहे किसी प्लांट का चाहे एनिमल का चाहे किसी का भी उस ये तीन इवेंट्स में ही वो होता है अब अगर मैं स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन क्या है आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिप्रोडक्शन अगेन अपने ही जैसे ऑफ स्ट्रिंग्स को यंग वंस को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता कर है रिप्रोडक्शन आती है बात समझ में और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे जो हायर स्पीशीज हैं वो ऑलमोस्ट सभी क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इज दैट क्लियर यस आगे ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवी पैरस अब इस वी, वी पैरस से आप क्या समझते हैं ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ठीक है ए सेक्शुअल जैसा ह्यूमंस में कुछ भी नहीं होता ओनली एंड ओनली सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और वो क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब मेरा क्वेश्चन है कि वी, वी पैरस क्या होता है तो वी, वी पैरस एंड ओ वी पैरिस देर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी पैरस एंड सेकेंड क्या होते हैं ओ वी पैरस और एक थर्ड कैटेगरी और होती है ओवी वी वी, वी पैरस अब ये तीनों क्या होता है जिसमें से ह्यूमंस को क्या बोला गया है ह्यूमंस को बोला है वीवी -वी पैरस अब वीवी -वी पैरस क्या होते हैं वीवी पैरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स विच गेव बर्थ टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स ओके ठीक है ये बात हो गई तो फिर मैम ओवी पैरस क्या होते हैं तो ओवी पैरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच एग्स जो एग देते हैं एग के अंदर उनका बेबी डेवलप होता है और फिर जब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है जब एग हैच होता है और उसके बाद में बेबी बाहर आ जाता है दिस आर दिस ऑर्गेनिजम्स आर नोनस ओवी ओवी पैरिस ओके एंड वी वी कौन हो गए वी वी हो गए जिसमें एग फॉर्मेशन जैसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि एग नहीं होता डायरेक्टली एक न्यू बॉर्न या डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है वो होते हैं विवी पैरिस अब आप बोलोगे मैम ओ वी वी

गैमिटोजिस मतलब सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स सिंथेसिस ऑफ गैमेट्स इज दैट क्लियर अब अगर हम तो की बात करें तो ह्यूमन्स में अगर मैं पूछूं दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे दिस इज फीमेल गैमेट एंड दिस इज मेल गैमेट जो दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे जब फीमेल में जो गैमेट बनने की प्रोसेस होती है वो कहलाएगी ऊजेनेसिस क्योंकि वहाँ पे ओवम बनेगा और अगर मेल्स की बात करूँ तो वहाँ पे ये प्रोसेस क्या कहलाएगी स्पर्मेटोजिनेसिस बिकॉज वहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी इज दैट क्लियर तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि गैमिटोजिनेसिस क्या है जेनेसिस किसी भी के आगे जेनेसिस आ गया इट मीन्स फॉर्मेशन तो यहाँ पर गैमिटोजिनेसिस है मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और वहीं अगर मैं फीमेल्स में बात करूँ तो वो क्या कहलाएगा ओ जिनेसिस बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ एग और अगर मेल्स में बात करूं तो स्पमेटोज मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ इज दैट क्लियर तो ये होता है सबसे पहला इवेंट गैमिटोजिनेसिस जिसको हम डिटेल में देखेंगे सेकेंड क्या होता है गैमेट ट्रांसफर अब आपने वहां पर देखा था गैमिट ट्रांसफर क्या कहलाता है वहां पर कहलाता था पॉलीनेशन पॉलीनेशन कहलाता था अब गैमेट ट्रांसफर यहाँ पे कैसे होता है तो ह्यूमंस में अ प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन ह्यूमनस में बाय प्रोसेस ऑफ कॉप्युलेशन गैमेट्स का ट्रांसफर होता है तो बाय प्रोसेस ऑफ कॉप्युलेशन ठीक है गैमेट का ट्रांसफर हो गया फिर थर्ड इवेंट क्या होगा थर्ड अब यहाँ पे आ जाओ तो ये ये इवेंट्स किसके होगा ये दोनों इवेंट्स हो गए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अब इसके बाद में क्या होगा इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगा फर्टिलाइजेशन क्या होगा वो आपको पता है जो, जो अगली प्रोसेस होगी वो होगा फर्टिलाइजेशन अब फर्टिलाईजेशन के बाद क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद में स्टार्ट होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या स्टार्ट होंगे पोस्ट फर्टिलाईजेशन इवेंट्स तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आएगा 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 ध्यान से देखो post -fertilization events में सबसे पहले आएगा, implantation. क्या क्या बन जाएगा और क्या होगा इम्प्लांट होगा ह्यूमन बॉडी में जनरली किसमें होता है फीमेल्स में जनरली क्या फीमेल्स में ही होता है इम्प्लांटेशन होगा सेकेंड चीज क्या होगी सेकेंड चीज यहाँ पे होती है उसके बाद में बेबी का डेवलपमेंट होता है Humans में कितना होता है Humans में for nine months. So okay, बेबी डिलेवर हो तो होगा. होगा तो बेबी डिलेवर होगा तो इट इज इट इज इंक्लूडेड इन पार्चुरेशन इट इज इंक्लूडेड इन पार्चुरेशन अच्छा एक चीज अगर मैं और बोलू इम प्लांटेशन और गेस्टेशन के बीच में इम्प्लांट हो गया इम्प्लान्टशन किसका होता है जयगॉड जो बनेगा उसके बाद वो और फर्दर स्टेजेस में डेवलप होगा और फिर उसमें एक स्टेज स्पेसिफिक आएगी जिसका इम्प्लान्टशन होगा जब हम पढ़ेंगे तो आप वो देख लेंगे मैं बोल रही हूँ इम्प्लान्टशन और गेस्टेशन के बीच में चलेगा एम्ब्रियोजिनेसस क्या चलेगा एम्ब्रियोजिनेसिस एम्ब्रियो डेवलप होगा ठीक है वो एक सिंगल सेल जाइगॉड से एक पूरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में और थ्री और थ्री पॉइंट फाइव के जी के एक बेबी में बनकर रेडी होगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी एम्ब्रियोजेनेसिस क्या कहलाएगी एम्ब्रियोजेनेसिस तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ किसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का इज दैट क्लियर तो दिस इज एवरी थिंग यू नीड टू स्टडी इन किस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है गैमिटोजिनेसिस पढ़ना है चलो ये बातें तो बहुत की बात बात की बात हो गई कि ये सब हमें इम्प्लांटेशन तो एंड ऑफ द पार्ट हो जाता है स्टार्टिंग टॉपिक्स क्या हैं स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं ये

सिमिलरली आपको ऊजन ऐसे समझने के लिए किसका आइडिया होना चाहिए आपको आइडिया होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे तो चलिए अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं

तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर बेटर स्टडी एंड फॉर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जस्ट फोर पार्ट्स में उसकी स्टडी की जाती है तो so, आपको यहाँ से लर्न करना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर वन टेस्टिस पेयर टेस्टिस ठीक है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो वो क्या हो गए पेयर टेस्टस सेकेंड इज एसे सपोर्टिंग डग ये हो गया मेन स्ट्रक्चर ठीक है जो कि क्या होते हैं टेस्टिस मेल्स में सेकेंड होती है एसेसरी डक्ट्स एसेसरी डक्ट्स आर ऑफ फोर टाइप्स बेसिकली तो इसमें हो जाता है रेडेटेस्टस वास्फ्रेंशिया एपिडेमिस एंड वास डिफ्रेंस ये हो जाती हैं फोर एसेसरी डक्ट्स थर्ड हम लोग बात करें तो देआर एसेसरी ग्लैंड अब एसेसरी ग्लान्स में क्या हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड सेमाइनल मेसाइक एंड कॉपर्स जिसका दूसरा नाम होता है बल्बो यूरीथ्रल ग्लैंड ठीक है तो ये हो जाती हैं तीन टाइप की ग्लैंड्स अब आप बोलोगे ग्लान्स का क्या काम है तो अभी हम आगे देखेंगे ना लेक्चर में कि किसका क्या काम है और लास्ट फोर्थ पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनेटेरिया दैट इज पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेरिया दैट इज पेनिस तो आप बोलोगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है ये चीज़ें जो आप देख रहे हो आर द इंटरनल जेनेटेरिया तो जेनेटेलिया इज बेसिकली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव पार्ट अब वो दो टाइप के हो सकते हैं इंटरनल जेनिटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनीटेरिया तो इंटरनल जेनेटेरिया में क्या हो जाएगा टेस्टर्स एजेसरी डक्ट्स एजेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है पेनिस। तो अब हमको इस लेक्चर की यही थीम होगी आपको ये चारों चीज़ों को एक एक करके डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे क्या ये होता है अगर आपको कुछ भी बात नहीं समझ में आती है कुछ भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये देखो ये आपके सामने एक प्रॉपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये डायग्राम एनसीआर से लिया गया है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर शॉर्ट नोट लिखना है या कुछ भी तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए अब अगर आप इसमें वेरियस पार्ट अगर मैंशन करो या देखो तो सबसे ऊपर से अगर आप देखो तो दिस इज यूरेटर देन सेकेंड इज सेमल विसाइकल यूरिनरी ब्लैडर वास्ट डिफरेंस प्रोस्टेट प्रोस्टेट डग है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, है यहाँ पे अगर आप देखो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज टेस्टिस और उसके बाहर जो कवरिंग है दैट इज क्रोटम आगे अगर हम देखें तो इजाकुलेटरी डग रेक्टम एनस एंड बल्बो यूरिथ्रो तो अगर सबसे पहले मैं अगर आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी कि मेल्स में मेल्स में रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम दे आर यूनाइट They are united, पैसेज का रास्ता है जिनको बाहर जाने कामन इज दैट क्लियर दैट इज कॉमन एंड इज थ्रू यू रीथ्रा ओनली इज दैट क्लियर ठीक है अब अब हम आगे अगर डिस्कस करते हैं हम एक एक पार्ट अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट टेस्टस जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे दीज आर द दीज आर so, हम सबसे पहले जिसकी स्टडी करते हैं वो होता है टेस्टिस। अब आपको देख रहा होगा जो है, it is, it lies in a separate pouch. आपको ये टेस्टिस दिख रही है जो मैंने रेड कलर से मार्क करी है उसके बाहर ये जो देखो ये ब्लैक कलर की बाउंड्री ये वाली बॉर्डर तो ये जो बाहर वाली बॉर्डर है तो आपने ये देखा कि टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है और उसकी लेबलिंग क्या है उसकी लेबलिंग यहाँ पे लिखी हुई है स्क्रोटम तो टेस्टिस और स्क्रोटम तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम इन्हीं की करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस इज अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ अ टेस्टिस एक ये प्रॉपर एक टेस्टिस को आपका क्रॉस सेक्शन करके डायग्राम दिखाया हुआ है तो चलिए देखते हैं कि हमको इस टिपिकल टेस्टिस में क्या क्या दिखता है पेयर टेस्टिस Each testis is oval in shape. अब सबसे पहले बात तो नोट करने वाली होगी नहीं होती है lie in pair. दो होती हैं, ठीक है मतलब दो होती हैं टेस्टिस लेफ्ट टेस्टिस एंड पेयर ऑफ टेस्टिस ईस्ट शेप कैसा होता है शेप कैसा होता है टेस्टिस का ओवल इन शेप ओवल शेप की होती है लेंथ इज फोर टू फाइव सेंटीमीटर एंड विद इज टू टू थ्री सेंटीमीटर तो डायमेंशन आप कैसे लर्न रख सकते हो टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके आप डायमेंशन इजली लर्न कर सकते हो वेथ कितनी हो जाएगी टू टू थ्री सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी हो जाएगी फोर टू फाइव सेंटीमीटर और याद कैसे रहेगा टू थ्री फोर फाइव गुड आगे ईच टेस्ट हैज अबाउट टू हंड्रेड फिफ्टी टेस्टिकुलर लोब्यूल अब यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट की स्टडी शुरू हो गई है तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या लिख दी इन्होंने ये लिखा है कि हर टेस्टिस के अंदर अराउंड

टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टर्म्स को बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से समझिएगा नहीं तो आगे चीजें आपको समझ नहीं आएंगे अगर आपको टर्म्स क्लियर नहीं है तो ठीक है तो सबसे पहले ये जो कंपार्टमेंट्स हैं हर टेस्ट कंपार्टमेंट्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स तो ठीक है आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स समझ में आ गया अब आप अभी से देख लीजिए आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ येलो कलर से बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखना है ठीक है आप इजीली देख पा रहे हैं देख रहे हैं ना कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं तो देखते हैं इन कॉयल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कॉइल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई थी देन उसके बाद में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है दैट प्रोड्यूज स्पर्म्स इन टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन एब अच्छा ये अब टेस्टिस का डेवलपमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सुनिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं टेस्टिस को क्यों बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज इट प्रोड्यूज पम्प बिकॉज इट प्रोड्यूस पम्प दैट इज मेल गैमेट

जो टेस्टिस होती हैं दे लाई इन द एबडोमिन मतलब वो ये जो हमारा एबडोमिन वाला पार्ट होता है ना स्टामक एंड ऑल जिसमें लाई करता है इस पार्ट में टेस्टिस होती हैं ठीक है अब आप बोलोगे मैम नहीं आप तो गलत बोल रहे हो तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब आप फीटल स्टेज में थे जब आप नाइन मंथ्स के गेस्टेशन पीरियड में थे तो जो टेस्टिस आपके एबडोमिन में लाए कर रही थी वो डिसेंट होके डिस समझते हैं आप धीरे धीरे मूव कर गई नीचे की तरफ इना सैक इना एक अलग से सैक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्क्रोटम तो जो होती हैं टेस्टेस वो पहले लाई करती हैं डोमिन में बट ड्यूरिंग नाइन मंथ्स का जो आपका गेस्टेशन पीरियड था उसमें क्या होता है कि वो नीचे डिसेंड करती है और किसके अंदर आ जाती है स्क्रोटम के अंदर वो आ जाती हैं ठीक है तो देखते हैं कैसे डिसेंड करती है इट डिस थ्रू अ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल तो क्या लिखा हुआ है सून आफ्टर द बर्थ और एट एट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी जनरली कब होता है या तो एट मंथ तक जनरली डिसेंट ऑफ टेस्टिस कंप्लीट हो जाता है नहीं तो ड्यूरिंग जस्ट आफ्टर बर्थ भी कंप्लीट हो सकता है दे डिसेंट टू सैक जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली थ्रू कैनाल तो आपके पेल्विस रीजन में एक ओब्लीक केनाल होती है जिसे आप बोलते हैं इंग्वाइनर कैनाल ठीक है पेल्विस वाला जो पार्ट होता है उसमें एक एंग्वाइनर कैनाल यहाँ पे लाई करती है तो इस इंग्वाइनर कैनाल के थ्रू होते हुए जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम में आ जाती हैं कहाँ से आ जाती हैं स्क्रोटम में एबडोम से नीचे डिसेंड करके स्क्रोटम में आ जाती हैं इज दैट क्लियर यस द लो टेम्परेचर टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस लेस एन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड फॉर स्पोमैटोज अब क्वेश्चन नहीं आ रहा था कि मैम ठीक है आप बोल रहे हो कि टेस्टिस डिसेंड करती हैं डिसेंड करती हैं एबडोम से डिसेंड करके स्क्रोटम में आती है लेकिन क्यों आती हैं क्वेश्चन तो आना चाहिए ना कि मैम क्यों अब डोमिन में रह जाते ना दिक्कत क्या था तो दिक्कत ये था कि जो टेस्टिस है उसमें कौन सी प्रोसेस होनी है टेस्टिस के अंदर होना है पर्मेटोजोनासिस दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स पर्मेटोजोनासिस से आप क्या समझते हैं यही कि फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स तो जो प्रोसेस है स्पर्म फॉर्मेशन की उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल

उसको जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है थर्टी सेवन पॉइंट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस उसको भी वही मिलता तो ये दो डिग्री टेम्परेचर कम मिल पाए जिसके लिए पोमेटो अच्छे से हो पाए इसके लिए टेस्टिस डिसेंड करके कहाँ पे आ जाती हैं स्क्रोटल सैक में या स्क्रोटम में आ जाती हैं तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जनरली स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वट इज़ द मेन रीजन फॉर द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इंटू स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक क्या मेन रीजन है जिसके कारण टेस्टिस डिसेंट होके स्क्रोटम में आ गई है तो उसका रीजन क्या होता है बिकॉज़ स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेंपरेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर इसके लिए ये डिसेंट की प्रोसेस होती है इज दैट क्लियर यस ये एक प्रॉपर किसका स्ट्रक्चर है ये प्रॉपर एक स्पर्मेटोगोनिया का स्ट्रक्चर है देखते हैं आगे स्पेटोमोनिया क्या होता है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेयर टेस्टिस आपने देख लिया था क्या था ईच लोब्यूल कंटेन वन टू थ्रील अब टेस्टिस की डिटेल स्टडी करते हैं तो मैं आपको पहले ही क्या बता चुकी हूँ हर टेस्टिस के अंदर टू हंड्रेड फिफ्टी अराउंड कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हमने बोल दिया था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिन्हें हमने क्या बोल दिया था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल दिया था अब टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होते हैं उसके अंदर आपको येलो कलर का कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रहा था हाईली कॉइल्ड तो हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में वन टू थ्री कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल जिन्हें हम क्या बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल तो आप ऐसे समझते जाइए दिस इज द टेस्टिस हर टेस्टिस के अंदर अराउंड ऐसे कितने 250 कंपार्टमेंट्स हैं और हर कंपार्टमेंट के अंदर वन टू थ्री या तो एक या तो दो या तो तीन एक से लेकर तीन तक हाईली कॉयल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं ये ब्लैक कलर से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ तीस ज्यादा सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल इन्हें हम क्या बोलते हैं सेमिनी फेरस ट्रिब्यूल सेमिनी फेरिस ट्रिब्यूल इज लाइंड इंटरनली विद स्पर्मैटोजीनिक सेल्स अब मेन क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ टेस्टिस में भी कहाँ पर स्पर्म बनते हैं तो टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोडक्शन का काम होता है वो होता है स्पर्मेटोजीनिक सेल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्पोमैटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल क्या बोलते हैं स्पोमैटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल इज दैट क्लियर तो एक बार रिवीजन करते हैं ये क्या हो गया पूरा टेस्टिस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स जो कि क्या होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल हर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक से तीन क्या होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स

एक और सेल्स की लाइनिंग होती है इसमें हमारे सामने फिर में जैसे हम लोग क्या बोलते हैं सर्टोली सेल्स जिनका मतलब ही होता है सपोर्टिंग सेल्स सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू तो द डेवलपिंग स्पर्म्स टू द डेवलपिंग या गोनिया बेसिकली जो स्पोमेटो है वो किसका डेवलपमेंट करेगी स्पर्म का अब जो स्पर्म डेवलप हो गया है वहां पे तो स्पर्म अलाइव रहे ठीक रहे उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे ये कौन सी सेल्स इंश्योर करती हैं ये इंश्योर करती हैं सर्टोली सेल्स तो एक तरीके से सपोर्टिंग सेल्स हो गई ना स्पर्म्स के लिए तो यस सर्टोली सेल्स आल्सो लाइन द टेस्टिस इज दैट क्लियर तो ये था एक टिपिकल टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम डायग्राम से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से ये देखिए तो जो आपको ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये क्या हो गए ये हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स

साथ ही साथ में एक एक्स्ट्रा सेल्स की लेयर्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं सर्टोली सेल्स और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं सर्टोली सेल्स जो डेवलपिंग फॉर्म्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इज दैट क्लियर येस

उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेसेस क्या बोलते हैं उसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेसेस तो क्या हो गया द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज इंटरस्टिशल स्पेसेस कंटेन अब जो वो बाहर की जो जगह बची हुई है उसमें क्या होता है उसमें होती हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स उसमें होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स ये तीन चीज़ें किसका कंटेंट है दीज आर द कंटेंट ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस और ये इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है भाई देखो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या क्या क्या, क्या चीज़ें हैं जो इंटस्टिशियल स्पेस में लाया करती हैं तो आपको आंसर करना होगा कि इंटस्टिशियल स्पेस में होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स बहुत सारी स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं सेकेंड चीज़ उसमें क्या होती है इंटस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स होती हैं उसमें इंटस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स ठीक है उसमें लाए करती हैं और साथ ही साथ में इम्यूनोलॉजिकली कंप्लीटेड सेल्स उसमें भी होती हैं अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा मैम ब्लड वेसल्स तो ठीक है हमें समझ आता होता है कि स्मॉल आर्ट्रीज वेज बहुत सारी इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स क्या है अभी आपने एक सेल्स पढ़ी थी सरटोरी सेल्स अब यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ सेल्स आई हैं जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में है इसलिए उन्हें क्या बोल रहे हैं इसलिए उन्हें बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर और दूसरा नाम क्या है लेडिक सेल्स तो ये होती क्या है तो ये सेल्स क्या करती हैं ये सेल्स एंड्रोजन सिक्रिएट करती हैं और सपोर्ट करती हैं डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आप आगे डिटेल में देखेंगे सपोर्टिंग सेल्स हैं बेसिकली लेडिक सेल्स भी थर्ड जो इम्यूनोलॉजिकली कंपीटेंट सेल्स हैं तो ये क्या कर रही है बेसिकली इम्यूनोलॉजिकली वहाँ पर कोई भी अगर वायरल या कुछ भी मतलब इन द सेंस इन्फेक्शन अगर होता है तो उससे फाइट करने के लिए भी सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं लेडिक सेल्स अब ये देख लो फंक्शन क्या हो गया लेडिक सेल्स का लेडिक सेल्स सिक्रीट टेस्टिकुलर हारमोन एंड्रोजन्स तो बेसिकली लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या है लेडिक सेल्स का फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन दैट आर नोन एज एंड्रोजन्स टेस्टिकुलर हार्मो दैट आर नोन एज एंड्रोजन्स और सर्टोली सेल्स का क्या काम था सर्टोली सेल्स का काम था टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो तो आपको लेडिक सेल्स सेल्स और सर्टोली दोनों का फंक्शन लर्न होना चाहिए और जो लेडिक सेल्स होती हैं वो कहा लाई करती हैं वो तो लाई करती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, में। इज दैट तो आपने देखा कि आपने पूरा जो स्ट्रक्चर अभी स्टडी कर लिया वो आपने कर लिया किसका पेन टेस्टिस का किसका कर लिया टेस्टिस का मतलब आप प्राइमरी जो मेल का सेक्स ऑर्गन होता है आपने उसको पढ़ के खत्म कर लिया उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे वो भी हो गया अब अगली बारी जो आती है वो आती है किसकी एजेसरी डग किसकी बारी है एजेसरी डग तो क्या चार होती है एसेसरी डग्स रेटेड तो टेस्टिस इेगुलर कैविटीज वास्टरेंशिया सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स देन उसके बाद में क्या है एपिडाइमिस स्टोर्स स्टोर टेम्परली एंड लास्ट में होता है वास डिफरेंस

डिफरेंस और यहाँ पे एक कुछ तो बात लिखी हुई आगे आगे तो है क्या होता है देखो. से सुनना और समझना जो ये सेमिनी फेरेस्ट्यूल्स है ये जो दिख रहे हैं ना आपको सेमिनी फेरेस्ट्यूल्स ये यहाँ पे कहीं पे एक स्ट्रक्चर है जहां पर ये ओपन हो रहा है सारे सेमिनी फेरेस्ट जो है वो यहाँ पर एक येलो कलर का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां पर ओपन हो रहे हैं तो सारे सेमिनी फेरेस्टिब्यूल जिस स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस क्या बोलते हैं उसको हम लोग रेटे टेस्टिस इज दैट क्लियर अब सारे जो रेटे टेस्टिस हैं रेटे टेस्टिस ज्वाइन होकर पूरे रेटे टेस्टिस क्या हो गया जहां पे सारे सेमिनी फेरेस्टिब्यूल्स ओपन होते हैं रेटे टेस्टिस क्या करते हैं बहुत सारे फाइन टूब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वासे फ्रेंशिया जैसे हम क्या बोलते हैं वा सेफ्रेंशिया अगर मैं यहाँ पे डायग्राम क्लियर करूँ और अगर आपको वा सेफ्रेंशिया दिखाना चाहूँ तो ये ये जो आपको फाइन दिख रहा है ना ये येलो कलर का ये वाला पार्ट जो दिख रहा है दिस इज ये वा सफरेंस ये वाला तो ये जो फाइन ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं जिसमें रेटेटेस्टेज ओपन हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं वा सेफ्रेंशिया अब वास के बाद आपको दिखते होगा क्या कि फिर से कॉइल्ड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ये दिख रहे हैं ना कुछ कॉइल स्ट्रक्चर्स ये वाले जो आपको ये हाईली कॉयल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तो ये जो कॉयल स्ट्रक्चर है दिस इज द एपिडायमिस क्या है एपिडाइमिस और उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सारे जो एपिड हैं आकर बहुत सारे थे ना तो यहाँ पे सारे एक कॉमन डक्ट बन गए ये जो हाईली कॉयल टाइप की एक डक्ट दिख रही है दिस इज वास डिफरेंस दिस इज वास डिफरेंस इज दैट क्लियर तो आपको ये समझ में आया एसेसरी डग कुछ नहीं है बल्कि जस्ट दे आर द पाथ जो वो बहुत सारे जो हैं वो रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म्स को कि स्पर्म्स को इस रास्ते से होते हुए फाइनली इजेकुलेट होना है समझ में आती है बात तो सबसे पहले क्या होगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी वो सारे ओपन होंगे किसमें रेटे टेस्टिस में रेटे टेस्टिस से कंबाइन होकर किसमें ओपन होंगे एपिबासिफरेंशिया में वासिफरेंशिया एपिबास वास से कंबाइन होकर ओपन होंगे, होंगे? एपिडाइमिस में एपिडामिस जो फिर से यूनाइट होकर एक सिंगल डक्ट बना लेंगे जिससे हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस जो आपको ये अल्टीमेटली एक सिंगल डक्ट दिख रही है जो बॉडी के बाहर जाके ओपन होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वास वास डिफरेंस डिफरेंस इज दैट क्लियर अब बॉडी के बाहर ऐसे ही सिंपली ओपन नहीं हो जाती है ठीक है आपको ये दिख गया ना ये जो येलो कलर की एक सिंगल डक्ट है ये है वास डिफरेंस अब बताने वाली बात क्या है जो हमारी डक्ट होती है वास डिफरेंस वो आगे चल के बन गई कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट अब क्वेश्चन नहीं आ रहा मैम ऐसे कैसे बन गई अभी तो अगर मैं अपने डायग्राम से मनाऊँ तो ये है हमारी वास्ट डिफरेंस अब ये आगे जाके आगे जाके कुछ तो भी बन गई जैसे आप बोल रहे हैं कॉमन इजाकुलेटेड आप जैसे आप क्या बोल रहे हैं कॉमन अब ये कैसे बन गई तो आपको ध्यान रखना है दिस इज द वास्ट डिफरेंस ठीक है ये जो रेड कलर का ड्रॉक है ये क्या है वास्ट डिफरेंस है वास्ट डिफरेंस में यहाँ से दिस इज़ मान लो ये क्या है ये सेमाइनल वेसाइकल है सपोज दिस इज सेमाइनल वेसाइकल सेमाइनल वसाइकल तो सेमाइनल से एक डक्ट निकली ये जो है ये ब्लैक कलर की डक्ट किसकी है seminal की डक्ट है, और जो ये, से है, ये क्या है This is the आपने देखा कि आगे जाके मैंने दोनों को यूनाइट कर दिया है, इस पॉइंट पे दोनों को क्या कर दिया यूनाइट कर दिया है और अब ये एक सिंगल डक्ट बन गए हैं तो आपको समझ में आया कॉमन इजाकुलेटेड क्या होता है कॉमन इजाकुलेटेड इज द डिच इज फॉर्मड बाय द यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड द डल ओपन तो हो होती है कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है वो ओपन होती है यूरिथ्रा में और यूरिथ्रा से यूरिथ्रल मियाटस अब यूरिथ्रल मियाटस क्या होता है तो देखिए आप जब हम पीनस की स्टडी करेंगे पीनस की स्टडी करेंगे तो पीनस का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें यूरिथ्रा लाइक करता है इन द सेंटर और लास्ट में जो एक ओपनिंग होती है जो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो सिक्रीशंस हैं यूरिन है जिसके थ्रू पास आउट होती है बॉडी से उसको हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रल म्यूटस तो यूरिथ्रा क्या हो गया यूरिथ्रा इज द कंटिन्यूएशन कॉमन इज एजाकुलेटेड जाके यूरेथ्रा में कंटिन्यू हो जाएगी और यूरेथ्रा जो है वो जाके ओपन होगा यूरेथ्रल म्यूटस जिसके थ्रू स्पर्म्स या यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर एजाकुलेट होंगे एक्सक्रीट होंगे इज दैट क्लियर दिस इज एवरी थिंग अबाउट एसेसरी डिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या लिखा हुआ है दूरेथ्रा रिसीव द डेट एंड कॉपर्स ग्लैंड थ्रू द पीनस एक और बात है ये क्या लिखा हुआ है दूरिथ्रा रिसीव द डेट एंड कॉपर्स ग्लैंड सेमिनी फेरस ट्रिब्यूनल सेमिनी फेरसाइ से जो था उसकी जो डक्ट थी वो तो बस डिफरेंस के साथ में यूनाइट हो गई थी अब दो ग्लैंड और रह गई एक कॉपर्स ग्लैंड रह गई एक प्रोस्टेट रह गई तो उन दोनों की जो डग्स होती हैं वो जाके किस पे यूनाइट होती हैं वो जाके मिलती हैं यूरिथ्रा पे किस पे जाके यूनाइट होती हैं वो जाके यूनाइट होती हैं यूरिथ्रा पे और फाइनली क्या किस में ओपन हो जाएंगी पासिस थ्रू द पीनस उसके थ्रू बॉडी में से एक्सट्रीट हो जाएंगे या पास आउट हो जाएंगे यूरिन है तो एक्स्ट्रीट हो जाएगी और पम्प है तो बाहर इटाकुलेट हो जाएंगे इज दैट क्लियर ठीक है आगे देखते हैं एसेसरी ग्लैंड तो आपने अभी तक तो दो पाँच पढ़ लिए क्या क्या पढ़ लिया आप टेस्टिस पढ़ चुके हैं और आप एसेसरी डक्स पढ़ चुके हैं आगे अब हम देखते हैं एसेसरी ग्लैंड तो देर आर थ्री ग्लैंड क्या क्या ग्लैंड हैं पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल तो आपको ध्यान रखना है कि सेमाइनल वेसाइकल कैसी है पेयर्ड ग्लैंड है सेकेंड कौन सी है प्रोस्टेट ग्लैंड तो प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी है अनपेयर्ड है सिंगल है और लास्ट में कौन सी होती है पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड जिसका नाम क्या है बल्बो यूरीथ्रल ग्लैंड बल्बो यूरीथ्रल ग्लैंड्स अपोलो के मैम फंक्शन क्या है कैंड का स्पर्म की फॉर्मेशन तो टेस्टिस में हो चुकी है ठीक है वही बॉडी से बाहर इजाकुलेट हो जाना चाहिए तो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड क्या कि जो बाहर इजाकुलेट होता है वो होता है सेमिन वो क्या होता है बॉडी से जो बाहर एक्सलेट होता है वो होता है सेमिन एक्सैक्टली exactly सेमिन होता है वो किससे मिलकर बनता है वो मिलकर बनता है स्पर्म्स प्लस स्पर्म्स प्लस, प्लस प्लाज्मा अब अगेन आपका क्वेश्चन मैम स्पर्म्स तो ठीक है हमको क्लियर है फॉर्म हो जाते हैं टेस्टिस में बट सेमाइनल प्लाज्मा क्या है तो ये जो तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं ये मिलकर बनाते हैं सेमाइनल प्लाज्मा क्या बनाते हैं ये तीनों मिलकर सेमाइनल प्लाज्मा तो जो पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और पेयर ऑफ बल्बो यूरिथल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड हो गया देयर कलेक्टिव सिक्रीशन इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा और सेमाइनल प्लाज्मा की क्या कैरेक्ट्रिस्टिक होती है इट एच इट इज रिच इन फ्रक्टोज वेरी इम्पॉर्टेंट कैल्शियम एंड एंजाइम्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है इट कंटेन फ्रक्टोज फ्रक्टोज जनरली फ्रूट शुगर होता है फ्रूट्स में मिलता है बट अगर हम बात करें ह्यूमस में तो ह्यूमन्स में वो कहाँ मिलता है ह्यूम्स में वो मिलता है किसमें सेमाइनल प्लाज्मा में और स्पर्म्स और सेमाइनल प्लाज्मा ये दोनों मिलके जो बनाते हैं वो क्या बोलते हैं सेमिन और सेमेन इज द दिक्रीशन विच कम्स आउट ऑफ द बॉडी और इजैक्यूलेट्स फ्रॉम द बॉडी इज दैट क्लियर द रोल ऑफ ग्लैंड ऐसे ग्लैंड समझ में आया पक्के से यस yes. आगे देखते हैं कि जो बेसिकली ग्लैंड का सिक्रीशन था जो कि था सेमाइनल प्लाज्मा उस, प्लाज्मा उसने करा क्या हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स पहला चीज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा स्पर्म की सेकेंड स्पर्म जो है अकेले नहीं सीक्रेट होते दे along with seminal plasma, तो उसको नरिशमेंट देने का काम करेगा प्रोवाइड अल्कलिनिटी टू काउंटरेक्ट एसिडिटी ऑफ द यूट्रस अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया जब स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो इन्वामेंट होता है वो होता है एसिडिक अब अगर जो स्पर्म्स हैं या यान है वो अल्कलाइन नहीं हुआ और वहां की एसिडिटी की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज नहीं किया तो स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन कभी भी हो ही नहीं पाएगा तो इसीलिए वो क्या करता है प्लाज्मा प्रोवाइड करता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूट्रस ओके लास्ट में सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स प्लांट लुब्रिकेट द दीनस और जो हमारी कॉपर्स प्लांट थी ना बल्बो यूरिथ्रल यूरिचुर उसके जो सिक्रीशन होते हैं वो पीनस को लुब्रिकेटिंग बनाते हैं तो विच हेल्प्स ड्यूरिंग कॉप्युलेशन एग्जैक्टली तो आपको तीनों जो ग्लान्स हैं उनका और उनका मेन क्या फंक्शन है उनका सिक्रीशन क्या है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ठीक है आगे देखते हैं पीनस ज एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो अभी तक आप थ्री बार्ट पढ़ चुके हैं क्या क्या टेस्ट आपने पढ़ लिया सेकेंड आपने पढ़ लिया एजेसरी ग्लैंड और दूसरा आपने पढ़ लिया एजेसरी डेने पार्ट आप पढ़ चुके हैं विच आर इंक्लूडेड इन इंटरनल जेनिटेरिया अब किसकी बारी है पेनिस जैसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया तो पीनिस क्या है इट इज अप्यूलेट्री ऑर्गन कॉप्यट्री ऑर्गन ऑर्गन विच हेल्प इन कॉप्यूलेशन और इन शॉर्ट विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ गैमे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू तो ये स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज का बना होता है वेन स्पांजी टिश्यू इज फिल्ड विद ब्लड द पीनस इरेक्ट इट फैसिलिटेट इन सेमिनेशन जब भी हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं या बॉडी को पता होता है कि हमें अब कॉप्युलेशन वाले फेज में जाना है तो क्या होता है जो पीनस होता है पीनस इज मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज अब वो स्पॉन्जी टिश्यूज हैं स्पांजी तो आप क्या समझते हैं जैसे आपने एक स्पंज लिया और उसको पानी में डाला तो स्पंज क्या करेगा बहुत सारा पानी रिटेन कर लेगा और उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा सिमिलरली क्या होता है जो पीनस होता है पीनस भी पूरा किसका बना हुआ है स्पंजी टिश्यूज़ का बना हुआ है जैसे ही बॉडी को कॉपुलेशन फेज़ में एंटर करना है जो वो स्पंजी टिश्यूज़ हैं पेनिस के उसके अंदर हाईली ब्लड फ्लो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर ब्लड फ्लो हो जाता है और जब किसी भी स्पॉन्जी टिश्यू में ब्लड फिल होगा तो इट फैसिलिटेट्स क्या इरेक्शन इट फैसिलिटेट्स इरेक्शन तो पीनस के इरेक्शन का क्या मैकेनिज्म है आपको क्लियर हुआ क्यों इरेक्शन होता है क्लियर हुआ ठीक है तो वो ब्लड फिल हो जाने के कारण पीनस इरेक्ट होता है इट फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन और इंसेमिनेशन क्या होता है इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ स्पम्प बेसिकलीकुलेशन ऑफ स्पम्स इज क्लियर दर कोन शेप टिप ऑफ दीनस इज कॉल्ड ग्लैंड पीनस इट इज कवर्ड बाय विच इज नोन एज फोर स्किन तो अगर आप एक प्रॉपर पीनस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पीनस के स्ट्रक्चर में जो यहाँ अंदर है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पी टिश्यूज जो आगे इन लार्ज पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं द इन पार्ट इज नोन एज ग्लैंड पीनस इन लार्ज एंड सॉफ्ट पार्ट इज नोन एज ग्लैंड पीनस एंड ग्लैंड पीनस इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्किन जैसे ये ग्लैंड पीनस है तो इट इज़ कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्किन तो ये जो लेयर ऑफ स्किन होती है ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ करी है इट इज नोन एज फोर स्किन और प्रिप्यूस इट इज नोन एज फोर स्किन और प्रिप्यूस तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट पीनस आपको क्या ध्यान रखना है आपको यही याद रखना है कि इट इज बेसिकली मेड ऑफ पाजी टिश्यू इरेक्शन का मैकेनिज्म क्या है तो इरेक्शन का मैकेनिज्म है कि ब्लड फिल होता है उस टिश्यूज में और जो होता है इरेक्शन को फेसिलिटेट करता है साथ ही साथ में आगे का जो एंटीरियर का जो बल्च पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंड पीनस विच इज कवर्ड बाई अ स्किन जैसे हम हाँ लोग बोलते हैं फोर स्किन सो आपको पूरा जो मेल का एक्सटर्नल मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्लियर हुआ होगा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को कहाँ मेंशन करेंगे आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब थैंक यू एंड कीप वॉचिंग